आज अधिवेशन का तीसरा दिन है और राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सरकार के विरोध में हल्ला बोल मोर्चा निकाला गया। कांग्रेस के सभी स्थानीय नेताओं ने 2 से 3 किलोमीटर के इस पैदल मार्च में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस वक्त उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं पर बड़ी बातें करता है, मगर असल में यह सब नौटंकी है। इन सभी से बात की है एनबीसीएन ने, देखते हैं कि इनका क्या कहना है। अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और कांग्रेस ने हल्ला बोल मोर्चा जो है विधानसभा पर निकाला है। हमारे साथ कुछ मोर्चेकारी जिनसे हम बात करेंगे, क्या मुख्य मुद्दा है आज मोर्चा निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या क्या मांगे? ये मोर्चा जो निकाला गया है वो महंगाई के लिए निकाला गया है। महंगाई के ऊपर हमारा दावा ये है कि महंगाई कम होनी चाहिए और जो एजुकेशन है उसके लिए है। और मोर्चा निकाला है, क्या मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की MSP, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और किसानों की MSP नहीं मिल रही है। विनोद भाऊ, मोर्चा निकाला है, क्या कहेंगे आप, क्या मुख्य मांगे हैं? ये जुमलेबाज सरकार, झूठी सरकार, युवकों के साथ झूठ बोलती है, ये किसानों के साथ झूठ बोलती है, ये महिलाओं के साथ झूठ बोलती है, ये सस्ताई लाने के बहाने महंगाई लाती है, गलत GST लगाती है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार, एक बार 72,000 की मेगा भर्ती की बात की और अभी 75,000 की मेगा भर्ती की बात की, लेकिन एक भी पद जो है वो भरा नहीं गया। जब जब इसमें एडवर्टाइज निकली है तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। जिन लोगों ने पैसा दिया उनको पेपर सप्लाई किया, पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर किसी को अरेस्ट नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं है। तो ये सबको फंसाया है, ना किसानों को MSP दी है, आज खरीफ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं है, रबी के नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं है, कल परसों जो बारिश हुई उस बारिश में लश्करी वर्म जो है तो वो पूरा चना खा कर गया, लेकिन इस सरकार को हेलीकॉप्टर से जाके किसानी करने का जो सरकार बोलते है कि नमो रोजगार को बहुत युवाओं का अच्छा प्रतिसाद है, धोखाधड़ी हुई है, लोगों के जो पैसे है टैक्स के वो 5 करोड़ खर्चा कर कुछ लोगों को रोजगार हासिल नहीं हुआ है, वहाँ बड़ी तादाद में लोग जो है वो शामिल हुए, तो ये उसी का प्रतीक है कि इतने पैमाने पर लाखों लोग युवा अगर रोजगार के लिए आते हैं तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। और आपने इंजीनियर को रोजगार कौन सा दिया? 10,000-15,000 का, कोई लेने वाला नहीं है वो रोजगार। तो धोखाधड़ी की है, भाजपा की एडवर्टाइजमेंट की है, पहले 75,000 रोजगार कब भरने वाले हैं, पिछले बार के 72,000 रोजगार का क्या हुआ, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आप किसानों का मुद्दा लेकर सामने जा रहे हैं मगर अभी जो है शिंदे और फडणवीस ने किसानों को के बांध पे जाके सर्वे किया, आप क्या बताओ? भैया, नौटंकी करना और किसानों के पीछे खड़ना, इसमें अंतर है। क्या नुकसान भरपाई दी उन्होंने? नुकसान भरपाई दी? जो अंगूर है या फिर सीताफल है, अलग अलग फलबाग जो है वो खराब हो गए, उसको 50,000 दिए? तूर चली गई, तुअर चली गई, सोयाबीन चला गया, कपास चला गया, चना चला गया, क्या डिक्लेयर किया? अगर बांध पे गए हो तो उसका नतीजा क्या निकला वो तो बताओ। आपने सिलेंडर जो है 410 रुपये का टैक्स लगा लगा के 1100 रुपये कर दिया, आज भी 1000 रुपये के नीचे सिलेंडर नहीं मिलता, वो चुनाव आया इसलिए। आपने जो पेट्रोल 40 रुपये मिलना चाहिए उस पर टैक्स लगा लगा के वो महंगा कर दिया, 100 रुपये के ऊपर कर दिया, जबकि दुनिया भर में सस्ता है सब, कच्चा तेल सस्ता है जो हम यहाँ से वहाँ से आयात करते हैं। तो सारी चीज़ों में जो है लूटमार, लूटपाट, यही सरकार की पहचान हो गई है और उसी के लिए इतना आक्रोश जो है वो आक्रोश आपको दिख रहा है। अब क्या चाहते हो आप सरकार से कि क्या होना चाहिए सरकार के लिए? सरकार ने पहले तो रोजगार भर्ती शुरू करनी चाहिए, एक साल में जितनी भी एडवर्टाइज आती है वो सब के लिए सिर्फ 600 रुपये युवाओं से लेने चाहिए। इन्होंने जो शिक्षक भर्ती के लिए बोला है कि हम 55,000 जॉब निकालेंगे, एग्जाम ले ली है, लोगों ने एग्जाम दे दिए, उसका नतीजा भी आ गया है, लेकिन पता ही नहीं है कितने जॉब है, हवाबाजी चल रही है। MSP का क्या हुआ? आप नुकसान भरपाई देने वाले थे, क्या हुआ? खरीफ का नहीं मिला, अभी रबी भी चला गया, किसान कंटिन्यूअसली नुकसान में है। महाविकास आघाड़ी का सरकार था तो धान को 700 रुपये बोनस देते थे, आज आपने बोनस भी बंद कर दिया, उसको MSP नहीं मिल रही है। तो ये सब झूठ झूठ जो बोलना है इस सरकार का वो एक्सपोज करने सारे लोग जो है, किसान है, युवा है, महिला है, सभी रास्ते पर आज कांग्रेस के साथ। किसान जो किसानों के मुद्दे पर सरकार जो है नौटंकी कर रही है ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे का। हम अन्य लोगों से भी बात करेंगे कि देखेंगे कि उनका भी क्या कहना है। देवा, 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 देवा,
मोर्चे में अन्य जो है सहकारी भी शामिल है, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, सरकार के खिलाफ यह मोर्चा है, क्या कहेंगे आप कि आम कांग्रेस जन और जनता की क्या राय है? अभी आप देख रहे हैं लगभग पिछले 9 सालों से जब से बीजेपी सरकार केंद्र में और राज्य में आई है, तब से हमारे युवा हो, महिला हो, शेतकड़ी हो, इन सब लोगों के परेशानी चल रही है, परेशानी बढ़ रही है। इसके हिसाब से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले के नेतृत्व में ये महामोर्चा का आज आयोजन किया है। हमारे शेतकरी की आत्महत्या बढ़ी है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, युवा बेकार हो रहे हैं और सिर्फ 4 लोग ही इस देश में श्रीमंत हो गए, बड़े हो गए, अंबानी, अंबानी, मोदी और शाह, ये 4 लोग ही ये देश का चला रहे हैं और इस देश में सब अराजकता इन लोगों ने मचाई है, उसके विरोध में ये बीजेपी सरकार हटाने के हिसाब से ये मोर्चा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ अभिजीत वंजारी भी है जिनसे हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा है। अभिजीत सरकार विरोधी ये मोर्चा है, क्या कहेंगे? नाही, ज्या पद्धतीनं सरकारचं दुर्लक्ष आहे, कामगारांचे प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, शेतकरी अडचणीमध्ये आहे, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आहे, बेरोजगारांचे प्रश्न आहे, या सर्व फ्रंटवर हे सरकार सपशेल फेल ठरलेलं आहे आणि या सरकारचं केवळ सत्ता टिकवण्यामध्ये आणि घोषणा करण्यामध्ये यांचं लक्ष आहे। म्हणून या सरकारची झोप उडवण्यासाठी प्रदेश काँग्रेसच्या वतीनं नानाभाऊंच्या नेतृत्वामध्ये हा मोर्चा निघालेला आहे। आपण पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आले आहात, मला सांगा की सामान्य भरतीसाठी 900 रुपये आणि MPSC साठी 200-300 रुपयांमध्ये भरती होत आहे, काय बोला? आमची मागणी तेच आहे, राजस्थानमध्ये एक चांगलं पॅटर्न गेलं की राज्यामध्ये जितक्या काही विद्यापीठाच्या परीक्षा सोडून ज्या काही स्पर्धा परीक्षा होतात त्या सर्वांचं एकच वेळा शुल्क घेतलं, ते 1000 रुपये। परंतु आपल्या राज्यामध्ये दुर्दैवानं गेल्या 2 वर्षापासून सातत्याने विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे आणि अब्ज रुपयाचा त्या ठिकाणी शुल्काच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून पैसे जमा केलेले आहेत। अनेक परीक्षा त्या ठिकाणी पेपर फुटी प्रकरण आढळलेलं आहे, परीक्षा कॅन्सल झालेल्या आहेत, त्या परीक्षा पुन्हा घेतल्या नाही आहे, अनेक ठिकाणी सिलेक्शन झालेलं आहे, MPSC च्या काही परीक्षा आहेत त्याच्यामध्ये सिलेक्शन झालं आहे पण विद्यार्थ्यांना नियुक्ती देण्यात आल्या नाही, हे सर्व अन्यायकारक आहे आणि म्हणून ते सुद्धा त्याच्या बाबतीमध्ये सरकारनं निर्णय घेतला पाहिजे। सर, करोड़ों रुपए सरकार जो इन भर्तियों के माध्यम से ले रही है और ऐसे में सिर्फ पैसा जमाने का काम यहाँ पे हो रहा है, ऐसे में इस आंदोलन के माध्यम से, इस मोर्चे के माध्यम से लोग जो कहे आम कांग्रेस जन मांग कर रहे हैं कि सरकार ने इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और जनता को, जो सामान्य जनता है, उन्हें न्याय देना चाहिए। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मैं प्रकाश शुंकल, NBCN नागपुर।